नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश स्वागत करता हूं क्रिकेट कीड़ा के एकदम नए वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी को बहुत इंटरेस्ट देने वाला है, क्योंकि हम ले आए हैं आईपीएल के सारे रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट, सारे फ्रेंचाइजी की। सबसे पहले क्रिकेट कीड़ा पे तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने रिलीज किया है केदार यादव को, मुरली विजय को, पीयूष चावला को, शेन वॉटसन को, हरभजन सिंह को और मोनू सिंह को। अब शेन वॉटसन तो ऑटो रिलीज है क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया है, पर मैं ये कहूंगा कि हरभजन सिंह का जो रिलीज होने का कारण है, जो पिछले साल उन्होंने एन मौके पे फ्रेंचाइजी का कैंप छोड़ दिया था, शायद ये एक बड़ी वजह बना है। बाकी यादव और विजय तो बहुत बड़े आउट ऑफ फॉर्म थे, तो उनका तो बाहर होना तय लग रहा था। अब हम इसके बाद बात करेंगे अगले फ्रेंचाइजी की, जिसका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। पिछले सीजन में आखिरी 5 मैच हार के बाहर होने वाली आरसीबी ने बाहर किया है एरॉन फिंच को, क्रिस मॉरिस को, शिवम दुबे को, उमेश यादव को, गुरकीरत सिंह मान को, मोइन अली को, इसरू उदाना को, पार्थिव पटेल संन्यास ले चुके हैं तो ऑटो रिलीज है, और डेल स्टेन ने इस साल के लिए खुद को अनअवेलेबल कर दिया। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आरसीबी ने कर दिए हैं और ऑक्शंस में काफ़ी तैयारियों के साथ जाने वाले हैं, पर जिस तरह आखिरी के 5 मैच हारे थे उस तरह ये फैसला हम सराहनीय मानेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम चैंपियन मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस ने रिलीज किया है लसित मलिंगा को, शेन रदरफोर्ड को, नाथन कूल्टन नाइल को, जेम्स पैटिनसन को, मैकलगन को और प्रिंस बलवंत को। ज़्यादा बड़े नाम तो नहीं हटाए हैं, पर हाँ मलिंगा का नाम हटना थोड़ा शॉकिंग है और मुझे लगता है वो एज एन कंसल्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं, पर फिलहाल एज अ प्लेयर वो मुंबई इंडियंस की तरफ से इस सीजन खेलते नजर नहीं आएंगे अगर उनको मुंबई ने दोबारा ऑक्शन में नहीं लिया तो। अब हम बात करते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की। तो आखिरी में बहुत अच्छा फाइट बैक किया किंग्स इलेवन पंजाब ने, पर उन्होंने काफ़ी खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है। आउट ऑफ फॉर्म ग्लेन मैक्सवेल, शेल्टन कॉटर को रिलीज़ कर दिया है, मुजीबुर रहमान जिनको लास्ट सीजन सही से यूज़ नहीं कर पाए थे उनको भी रिलीज़ कर दिया है, कृष्णप्पा गौतम, जेम्स निशाम, हार्डस विल जोन और करुण नायर और जगदीशन सुचित और तेजिंदर सिंह, इन सबको बाहर कर दिया है। अगला नाम आता है राजस्थान रॉयल्स का। तो राजस्थान रॉयल्स ने सबसे पहली घोषणा तो की है कि स्टीवन स्मिथ जो कि कप्तान है उनको बाहर कर दिया, ओशेन थॉमस, टॉम करन, वरुण एरोन, अंकित राजपूत, आकाश सिंह और शशांक सिंह, ये दो डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं, इनको बाहर किया है। और उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की है कि जो संजू सैमसन होंगे वो उनके आगामी सीजन में कप्तान होंगे। तो काफ़ी बड़ा फैसला लिया और जिस तरह स्टीवन स्मिथ को बाहर का रास्ता दिखाया है, तो कहीं ना कहीं अब स्टीवन स्मिथ को दूसरा बाहर मिलने में थोड़ी समस्या आएगी, क्योंकि T20 के इतने मजे खिलाड़ी नहीं माने जा रहे। अब मैं बात करूंगा दिल्ली कैपिटल्स की। पिछले सीजन की रनअप रही दिल्ली कैपिटल्स ने बाहर किया है मोहित शर्मा तेज गेंदबाज, संदीप लिमची ने, एलेक्स कैरी, कीमो पॉल, तुषार देश पांडे को। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किए हैं, पर मैं ये कहूँगा जिन खिलाड़ियों को ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाया उन्हें फ्रेंचाइजी ने उनको रिलीज़ कर दिया है। और मैं कहूँगा कि काफ़ी स्मार्ट यहाँ पे खेल खेला है, क्योंकि इन खिलाड़ियों को यूज़ है ही नहीं ऑलरेडी, इनके रिप्लेसमेंट्स दो तीन स्क्वाड में मौजूद है, तो इससे अच्छा कोई और खिलाड़ी लिया जाए जो फ्रेंचाइजी को कहीं ना कहीं और बैलेंस प्रदान करे। अब मैं बात करूंगा कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने ज़्यादा लोग को बाहर नहीं किया है, टॉम बेंटन ज़्यादा अच्छा चले नहीं, 2-3 मैच खेले उनको बाहर का नाश्ता दिखाया गया है, क्रिस ग्रीन को बाहर किया गया है, सिद्धेश लैड ये मुंबई के जो बैट्समैन हैं अच्छे खिलाड़ी हैं उनको भी बाहर कर दिया है, केवी सिद्धार्थ निखिल नायक ये तो डोमेस्टिक विकेट कीपर हैं तो इनको ज़्यादा मौका भी नहीं मिलने पाया था, और मुझे लगता है ऑलरेडी इन सब के बैकअप्स मजबूत हैं काफ़ी अच्छे, केकेआर की जो बेंच स्ट्रेंथ है तो उसको मद्देनजर रखते हुए इनको हटा दिया गया है। अब मैं बात करूंगा सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। अगली सनराइजर्स हैदराबाद ने बिली स्टालेक, फेबियन एलन, संजय यादव, बी संदीप और पृथ्वी राज को बाहर किया। तो ज़्यादा बड़े नाम नहीं बाहर किए हैं एक्सेप्ट बिली स्टालेक, पर ऑलरेडी इनकी पेस बैटरी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, इनके पास नटराजन है, संदीप शर्मा है, सिद्धार्थ कौल है, तो इन सब का बाहर होना लाजमी था और पहले नज़र आ रहा था। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद की फ्रेंचाइजी के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो इनका फ्रेंचाइजी है वो बहुत ही समझदारी से अपने फैसले लेता है, और इन सबको बाहर जब किया तो हमको कोई शॉक नहीं हुआ, हमको पता था कि ये सब खिलाड़ी ऑलरेडी बाहर होने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी सारी टीम की खबरें, सबसे पहले आपको क्रिकेट कीड़ा ने इस पर कवरेज दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करो, उनको इन्फॉर्मेशन दो और कमेंट्स में आप अपनी प्रतिक्रिया भी देख सकते हैं। बाकी क्रिकेट कीड़ा से जुड़े रहने के लिए क्रिकेट कीड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, हमारी वेबसाइट cricketkeeda.in पर रेगुलर विजिट करते रहें और फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर हमको फॉलो करें, वहाँ पर क्रिकेट की सारी लेटेस्ट खबरें मिला करती हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।